सब्सक्राइब करें रिया ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिया ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर इंडो वेस्टर्न कुर्ती बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का प्लेन फैब्रिक लिया है 3 मीटर, उसी के साथ नेट फैब्रिक हमने लिया है 1.5 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 15 इंचेस और यहाँ से हम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब ऊपर की तरह हम शोल्डर की ब्रॉडनेस लेंगे 7 इंचेस। और यहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल की लेंथ लेंगे 6.5 इंचेस। अब हम चेस्ट की ब्रॉडनेस लेंगे, हमने लिया है 10.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। इसी तरह कमर की ब्रॉडनेस भी हम लेंगे 9.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर एरिया से नीचे की तरफ हम नेक की लेंथ लेंगे 6.5 इंचेस और इस तरफ हम आर्म होल के सेंटर में मार्क करेंगे। शोल्डर से नीचे की तरफ हमने 4.5 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद हम इसे कट करेंगे। इस तरह मैंने फ्रंट और बैक के 2 पार्ट कट कर लिए हैं। इस तरह मैंने दोनों पार्ट को ओपन किया हुआ है और ये है हमारा बैक का पार्ट। इसको इस तरह सेंटर में से फोल्ड करेंगे और मार्क कर लेंगे सेंटर में। इस तरह मार्क करने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। टॉप पार्ट के राइट साइड स्ट्रिप को हम अटैच कर लेंगे और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमने यह कट बना लिया है। अब दोनों पार्ट के नेक की लेंथ हम लेंगे। दोनों पार्ट के नेक पे हम कॉलर अटैच करेंगे, इसके लिए हम उसकी लेंथ लेंगे। इस तरह दोनों पार्ट की लेंथ होगी 32 इंचेस। इसमें हम 10 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42 इंचेस। इसी नाप का हम कॉलर बनाएंगे दोनों पार्ट के लिए। तो कॉलर के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसे सेंटर में से फोल्ड करेंगे इस तरह और एक बार सेंटर में से हम फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 4 फोल्ड। अब यहाँ से राउंड शेप में हम कॉलर का नाप लेंगे
तो नीचे से ऊपर की तरफ हम 5 इंच मार्क करेंगे। और इस तरफ हम नीचे से ऊपर की तरफ 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की लाइन को ड्रॉ करते हुए राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसकी चौड़ाई होगी 3 इंचेस। इस तरह पूरे राउंड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरफ की लेंथ हमने ली है 3.5 इंचेस और ये बैक पार्ट में आएगा, और ये इस तरफ हमने लिया है 5 इंचेस, ये हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा। इस तरह हमने राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे कट कर लेंगे। इस तरह हमने पूरे राउंड की कॉलर हमने कट कर लिया है, ये 2 लेयर में है। अब इसके सेंटर में से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने 2-2 लेयर में 2 कॉलर बना लिया है। अब नीचे की बॉर्डर पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे। नोचेस लगाने के बाद इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह दोनों कलर को राइट साइड टर्न करने के बाद प्रेस लगाएंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट को हमने इस तरह हमने सामने रखा है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब कॉलर को हम कुर्ती के टॉप पार्ट के रॉन्ग साइड इस तरह जहाँ से हमने मार्क किया है वहीं से हम इस कॉलर को अटैच करेंगे। इस तरह फ्रंट और बैक में अटैच कर लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ का कॉलर भी हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे ओपन है उसे हाफ इंच फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करते हुए। सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। तो इस तरह मैंने दोनों कॉलर को अटैच कर लिया है दोनों तरफ। अब यहाँ पे हम नेट फैब्रिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेट ली है, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम स्ट्रिप कट करेंगे। स्ट्रिप की लेंथ हम लेंगे 4.5 इंचेस।
इस तरह दोनों तरफ 4.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। और इसे कट कर लेंगे। इसी नाप की दूसरी स्ट्रिप भी हम कट कर लेंगे। इस तरह मैंने दो स्ट्रिप कट कर लिया है। इस दोनों स्ट्रिप को हम इस नेक पे अटैच करेंगे। तो इस तरह हम बारीक चुन्नट लगाते हुए इस तरह की प्लीट्स बनाते हुए हम पूरे नेक पे अटैच करेंगे दोनों स्ट्रिप को। तो इस तरह पूरे राउंड में हमने बारीक प्लीट्स बनाते हुए अटैच कर लिया है। अब ऊपर की बॉर्डर पे हम बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद एक धागे को पकड़ के खींचेंगे इस तरह। आपको जितनी नेक की चौड़ाई चाहिए इसी नाप की गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह धागे को पकड़ते हुए हम खींचेंगे और गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह दोनों तरफ हम इस तरह दोनों तरफ हमने गैदरिंग बना लिया है पूरे राउंड में। अब यहाँ पे हम पक्की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने नेक बना लिए है। अब टॉप पार्ट के साथ हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए मैंने 1-1 मीटर फैब्रिक लिया है। इस तरह के दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए। बॉटम पार्ट की लेंथ हमने लिया है 35 इंचेस। एक पार्ट को हटा लेंगे। अब इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे। अब दोनों तरफ हम 5 पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम सेंटर के दोनों तरफ हम दो दो बॉक्स प्लीट बनाएंगे इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करते हुए। इस तरह दो बॉक्स प्लीट बनाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम दो बॉक्स प्लीट बनाएंगे। इस तरह दोनों पार्ट में हम इसी तरह बॉक्स प्लीट बनाएंगे। अब टॉप पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। टॉप पार्ट के राइट साइड इस स्ट्रिप को हम इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे भी हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस तरह मैंने बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट पे इस तरह बॉक्स प्लेट बना ली है। अब उसी के साथ हम टॉप पार्ट को अटैच करेंगे।
इस टॉप पार्ट को हम बॉटम पार्ट के राइट साइड उल्टा रखते हुए अटैच कर लेंगे। इस तरह मैंने टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट के राइट साइड को मिलाते हुए हम फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेस्ट का पार्ट लिया है 17 इंचेस और कमर की ब्रॉडनेस हमने लिया है 15 इंचेस। इस तरह मार्क हो जाने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे तक हम सिलाई लगाते हुए फिटिंग करेंगे। तो इस तरह मैंने कुर्ती को दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए फिटिंग कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को भी रॉन्ग साइड टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब कुर्ती को मैंने राइट साइड टर्न किया है। ये हमारा बैक पोर्शन है। बैक पार्ट में हमने ऊपर की तरफ ओपन रखा है। यहाँ पे हम बटन या आयु लगा सकते हैं। और ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। फ्रंट पार्ट के नेक पे हम इस मोती वाले लेस को अटैच करेंगे। पूरे नेक में बैक से लेके फ्रंट पार्ट के पूरे नेक में हम इस मोती लेस अटैच करेंगे। इस तरफ पूरे नेक में हमने इस लेस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम वो बनाएंगे। वो के लिए मैंने यहाँ पे दो फ्लावर लिए हैं। यहाँ पे सेंटर में हम अटैच कर लेंगे। इसे इस तरह अटैच कर लेंगे। तो उसी के साथ हमारा यह डिज़ाइनर लॉन्ग कुर्ती रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।